ये सरकार किसी जो एक धर्म विशेष या कुछ खास लोगों को अलग नज़र से देखती है और बाकी देश के लोगों को अलग नज़र से देखती है। ये अपना अछूतपन दूर करे, ये जातिवाद के दायरे से बाहर निकले, ये बेहद शर्मनाक है। और आज जो केंद्र में सत्ता में जो बैठी पार्टी है वो न देश के लोकतंत्र को मानती है, न देश के संविधान को मानती है, बल्कि जिस विचारधारा पे वो चलती है उसी को देश के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है। और अभी भी उस पार्टी के अंदर से जातिवाद और अछूतपन खत्म नहीं हुआ है। पिछड़ों के बेटे हैं तो कम से कम जातिगत जनगणना तो करवा दो। सुप्रीम कोर्ट कहता है भैया रिजर्वेशन तब दिया जा सकता है, पहले आपके पास डाटा होना चाहिए कि इनका रिप्रेजेंटेशन पूरा है या नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उनकी एजुकेशनल पोजीशन क्या है। लेकिन जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे तो वो सारा डाटा ही कलेक्ट नहीं होगा, तो आप उनको रिजर्वेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं देंगे। देखिए, पहली बात तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि नई संसद भवन का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाना चाहिए, और साथ ही उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा जिस तरह की संसद भवन में आज लगी हुई है उसी तरह की प्रतिमा वहाँ लगाकर उसका अनावरण करना चाहिए। दूसरी बात, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह ही सबसे ऊपर है। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, जनहित आवाज में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ फिरोजशाह रोड में, मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के समाज कल्याण मंत्री जो रह चुके हैं, और इनसे हम बात करेंगे। अभी जो संसद पे सियासत चल रहा है, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा है उद्घाटन में, 28 तारीख को संसद का उद्घाटन है, और दूसरी तरफ महिला पहलवान जो हैं वो 27 को महिला महापंचायत करेंगे, इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं सर इन सब चीज़ों को आप। बेसिकली ये बेहद शर्मनाक है, क्योंकि देश की जो राष्ट्रपति होती हैं वो देश की प्रथम नागरिक होती हैं, और इस प्रजातांत्रिक गणतंत्र में, गणराज्य में देश की मुखिया देश की राष्ट्रपति हैं, तीनों सेनाओं की प्रमुख देश की राष्ट्रपति हैं, किसी भी प्रकार का कोई अपॉइंटमेंट होता है तो वो भी राष्ट्रपति जी के नाम पर ही नोटिफिकेशन निकलता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी का जब चयन होता है और ओद दिलाई जाती है वो भी राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। तो ऐसे में जब देश की नई संसद बन रही है उसका उद्घाटन देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा करवाया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात शर्मनाक ये है कि जब इस नई संसद का शिलान्यास हुआ था तो चूंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है तो यहाँ किसी एक धर्म विशेष से अलग से प्यार दिखाने की सरकार को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सरकार की नज़र में सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषाएं, सभी क्षेत्र समान होने चाहिए, उनको समान नज़रिए से देखना चाहिए। लेकिन उस वक्त संसद भवन का जो शिलान्यास हुआ उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, चूँकि वो अनुसूचित जाति से थे इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। और अब जब नया संसद भवन बन के तैयार हो गया है तो आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो एक अनुसूचित जनजाति से हैं और साथ में महिला भी हैं, उनको भी उस इनॉग्रल फंक्शन के अंदर नहीं बुलाया जा रहा है, उनके द्वारा उसका इनॉग्रल नहीं कराया जा रहा है। ये बेसिकली एक सोची समझी साजिश है। एक तरफ आप पंथ निरपेक्षता को नहीं मानते, देश के संविधान को नहीं मानते, आप सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को बुलाने की बजाय एक धर्म विशेष के लोगों के पुजारी को ही बुला कर ही आप शिलान्यास करते हैं, और ऊपर से देश की राष्ट्रपति को उस वक्त नहीं बुलाते और अब बन के तैयार है अब नहीं बुला रहे, क्योंकि आपके उस मानसिकता में ये पहले से ही है, एक अछूतपन है, जातिवाद है कि अछूतों और दलितों को इनको किसी भी शिलान्यास के टाइम पर नहीं बुलाना, उन्हें दूर रखना। लेकिन जहाँ भारत अपना 75वां दिवस मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस, और वहीं पे इस तरीके की बात, जहाँ पे हम संविधान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ना जाने तमाम इंडिया की बात करते हैं, और उसमें राष्ट्रपति के साथ ना ही पहली बार हुआ है, पहले भी हो चुका है, तो इस पे क्या कहेंगे, ये किस तरीके से मतलब कहाँ जा रहा है देश? ये बेहद शर्मनाक है। और आज जो केंद्र में सत्ता में जो बैठी पार्टी है वो न देश के लोकतंत्र को मानती है, न देश के संविधान को मानती है, बल्कि जिस विचारधारा पे वो चलती है उसी को देश के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है। और अभी भी उस पार्टी के अंदर से जातिवाद और
अछूतपन खत्म नहीं हुआ है, वो उनके व्यवहार में आचरण में हमेशा नजर आता है। इस पूरे प्रकरण का पूरे देश के सभी सांसदों को विरोध करना चाहिए और हम इसकी बिल्कुल आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं। हम तो सभी पार्टियों से ये आह्वान भी करते हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी के सांसद या विधायक हो, इसका पूरी तरह बहिष्कार कीजिए और इस केंद्र की सरकार को ये आभास कराइए कि ये सरकार किसी जो एक धर्म विशेष या कुछ खास लोगों को अलग नज़र से देखती है और बाकी देश के लोगों को अलग नज़र से देखती है। ये अपना अछूतपन दूर करे, ये जातिवाद के दायरे से बाहर निकले, ये धर्मवाद के दायरे से बाहर निकले और देश के प्रथम नागरिक के हाथ से ही इस नई संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए। अभी सेंगुल की बात उठ रही है कि अभी बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के एक विद्वान है जो सेंगुल को लाके स्पीकर के पास रखेंगे। सेंगुल का जितना मैं जानती हूँ, सेंगुल को शंख कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में कुछ विशेष वस्तु है, शंख जो बजाते हैं, और वहाँ स्पीकर के पास उसको रखना, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि नई संसद भवन का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाना चाहिए और साथ ही उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा जिस तरह की संसद भवन में आज लगी हुई है उसी तरह की प्रतिमा वहाँ लगाकर उसका अनावरण करना चाहिए। दूसरी बात, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह ही सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई नेता नहीं हो सकता, उसी को प्रमुखता से रखा जाए, नई सेंगुल की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उसको राजदंड कहते हैं तो हमें ऐसा राजदंड नहीं चाहिए, क्योंकि पुराने समय में जब उस तरह के राजदंड का प्रयोग होता था तो वहाँ दलित, जब भी कभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का मुद्दा आता था सुनवाई के लिए, तो उनके साथ कभी न्याय नहीं होता था। तो जहाँ न्याय ना हो ऐसी चीज़ हमें स्वीकार नहीं है, इसलिए हम इस सेंगुल का विरोध करते हैं और उसके स्थान पर राष्ट्रीय चिन्ह वाला स्तंभ होना चाहिए। इतने बड़ी जो प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को, और जब उनके साथ आप जैसा कि कह रहे हैं और लोग भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि जातिवाद हो रहा है, तो सोचिए आम जन का क्या हालत होगा सर। नहीं, आम जन को तो ये कुछ समझते ही नहीं है ना, ये तो सोच रहे हैं 10-20 किलो अनाज दे के वोट ले लेते हैं, उनको इंसान तो समझते नहीं है, उनको तो उनकी मेहनत का पैसा भी नहीं मिलता, उनके लिए तो लड़ने वाले भी नहीं, उनकी आवाज़ उठाने वाले लोग भी नहीं है। यहाँ तक कि जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं SC ST के लोगों को, OBC के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, जो संसद भवन के अंदर या विधानसभाओं में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी उनके सच्चे रिप्रेजेंटेटिव नहीं, वो भी उनकी बातों को नहीं उठाते। नहीं, जब प्रचार प्रसार करने जाते हैं मोदी जी कहीं, तो कहते हैं हम पिछड़े के बेटे हैं, हम OBC हैं, लेकिन जब संविधान के नाम से, यानी कि बाबा साहब के नाम से बनाने की बात कही संसद को, पिछड़ों के बेटे हैं तो कम से कम जातिगत जनगणना तो करवा दो। सुप्रीम कोर्ट कहता है भैया रिजर्वेशन तब दिया जा सकता है, पहले आपके पास डाटा होना चाहिए कि इनका रिप्रेजेंटेशन पूरा है या नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उनकी एजुकेशनल पोजीशन क्या है। लेकिन जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे तो वो सारा डाटा ही कलेक्ट नहीं होगा, तो आप उनको रिजर्वेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं देंगे। तो अगर आप इतनी हिमायती हैं, खुद कह रहे हैं कि मैं तो पिछड़े वर्ग से हूँ, तो भैया कम से कम जातिगत जनगणना की डिमांड जो पूरे देश की 85% लोग उसकी डिमांड कर रही है, सारे विपक्ष के लोग भी डिमांड कर रहे हैं, तो फिर उस पर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, उसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेते अगर आप अपने आप को बार बार वोट मांगने के नाम पे OBC क्लेम करते हैं तो। जी सर, लेकिन एक चीज़ आप बताइए कि जब पिछड़ों की बात कहते हैं और पिछड़े इतनी आसानी से मूर्ख भी बन जा रहे हैं, जैसे कि अभी दूसरी बार वो सत्ता में आए हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं किया है पिछड़ों के लिए, तो इस तरीके से मूर्ख बनाना क्या आसान है, कब जगेंगे? देखिए, ये हमारे लोगों की गलती है कि वो वोट बैंक बन रहे हैं। मैं सीधी बात करता हूँ, हमारे लोगों को, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन लोगों किसी का वोट बैंक नहीं बनना चाहिए। इनको सरकारों से सीधी बात करनी चाहिए जो हमारे पढ़ाई लिखाई की बात करेगी, जो हमारे तरक्की की बात करेगी, जो देश के विकास में हमें भी हिस्सा देगी, जो हमारे हमारे लोगों को आगे बढ़ने में मदद करेगी, जो हमें केंद्रित रखते हुए हमारे विकास की योजनाएँ बनाएगी, हम उस पार्टी को वोट देंगे। इन्हें वोट बैंक नहीं बनना चाहिए, वोट बैंक बनेंगे तो इनका यही हसर होगा, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, सब केवल वोट लेके राज करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन ये समाज जिस तरह पिछड़ा हुआ है उसी तरह पिछड़ा रह जाएगा। आप जानते होंगे कि राहुल गांधी ने अभी कहा है कि 28 मई को जो संसद का उद्घाटन हो रहा है वो वीर सावरकर का दिवस है, और उस दिन, और उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि जो ये लोग हैं सावरकर की औलादे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं है, दिन तो जो मर्जी रख लो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता जी। लेकिन उद्घाटन देश की राष्ट्रपति जी के नाम से होना चाहिए
और संसद भवन का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे होना चाहिए। लेकिन 80% कह रहे हैं, 80% जो है हिंदू है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो संख्या है जनगणना के हिसाब से, जो पिछली जनगणना हुई थी उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा दलित और पिछड़े हैं, लेकिन फिर भी तो दलित और पिछड़ों की भावनाओं की भी तो कदर कर लो। तो वही तो मैं सर आपसे सवाल कर रही हूँ कि फिर भी जो सबसे सबसे जो प्रधान राष्ट्रपति जी हैं उनको वैल्यू नहीं मिल रहा है, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, क्यों? इसलिए नहीं मिल रहा है कि पहली बात तो वो अनुसूचित जनजाति से हैं और दूसरी बात महिलाएं, और जो केंद्र में सत्ता में पार्टी बैठी है जिस मानसिकता जिस विचारधारा को वो मानती है उस विचारधारा में दलितों पिछड़ों आदिवासियों का एक ही स्थान है, उनको बाकी लोगों के बराबर का स्थान नहीं है। आपने कर्नाटक का चुनाव, हम लोग कुछ पीछे जाते हैं, आपने कर्नाटक का चुनाव देखा होगा, वहाँ पे तमाम तरीके की राजनीति हुई है जिसमें कि प्रधानमंत्री ने, जब कांग्रेस ने कहा कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे तो वहाँ पे बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा गया। नहीं, उन्होंने केवल बजरंग दल नहीं बोला, उन्होंने PFI भी बोला। हाँ, PFI भी, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी संगठन देश में अशांति पैदा करे उस पर निश्चित तौर पर बैन लगना चाहिए, और वो सभी पॉलिटिकल पार्टी को मिलकर इस पर सहमति बनानी चाहिए। जो भी देश के लिए खतरा हो, जो भी देश में अशांति पैदा करे, जो भी देश में नफरत पैदा करे, ऐसे सारे संगठनों पर बैन लगना चाहिए। लेकिन सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक से हटी और जब कांग्रेस जब वहाँ पे शपथ ले रही थी तो एक तो सबसे पहले उन्होंने गौमूत्र से धुलाया, जबकि जब इंडिया इतना आगे जा रहा है और गौमूत्र से धुलाने पर आप क्या कहें? तो ये भी तो इनकी भी कौन सा मानसिकता ठीक है, ये भी तो उसी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। गौमूत्र से, अरे इंसान को तो इंसान नहीं समझ रहे, दलित पिछड़े आदिवासी को तो आप इंसान भी नहीं समझते, इज्जत भी नहीं देते हो। ये मतलब ये जो एक आदमी गलत काम करे या बी करे या सी करे, गलत तो गलत है। मैं ऐसी विचारधारा को बिल्कुल धिक्कारता हूँ, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे। सर बृजभूषण सरन सिंह पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेहद शर्मनाक है और इससे पूरे देश की बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया के सामने, चूँकि जिन बेटियों ने देश का गौरव बढ़ाया, जो इतने सारे मेडल विश्व स्तर पर पटल पर जीत कर लेकर आए, भारत का गौरव बढ़ाने वाली बेटियों को अपने साथ होने वाले अपमान के खिलाफ न्याय के लिए भी लड़ना पड़ रहा है, FIR कराने में इतना टाइम लगा और अब गिरफ्तारी अब तक नहीं हो रही है। अरे सोच के देखो, कोई और किसी पोलिटिकल पार्टी का आदमी होता तो कब का जेल में अंदर होता, और यही सारे न्यूज़ चैनल जो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए यही उसके पीछे पड़े होते। अगर आम आदमी पार्टी का होता या बसपा का होता, सपा का होता, कांग्रेस का होता वो नेता, तो सारे ये चैनल पे लोग डिबेट हो रही होती। आपने अभी आम आदमी पार्टी की बात कही तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अभी मनीष सिसोदिया को गर्दन से पकड़ के लेके जाया गया है जेल, और अभी वो बीमार चल रहे हैं सत्येंद्र जैन, उनको अभी खैर जमानत मिल गई है, इस पर आप क्या कहेंगे कि इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया? देखिए, मेरा ये मानना है किसी के साथ भी अपमानजनक व्यवहार नहीं होना चाहिए, और किसी को ये हक नहीं है कि गर्दन पकड़ के आप कोर्ट के अंदर पेश कर रहे हो। आपका काम कोर्ट में पेश करना है, आप गर्दन पकड़ के जिस तरह अपमानित करने की कोशिश करें शर्मनाक है, चाहे किसी भी पार्टी के लीडर हो, लीडर भी ना हो, मैं ये कहता हूँ कोई सांसद विधायक भी ना हो, आम आदमी भी हो, वो भी अगर कोर्ट में पेश होने आ रहा है उसकी भी गर्दन पकड़ना इस तरह, ये अपमानजनक व्यवहार अच्छा नहीं है और इस चीज़ से बाहर जाना चाहिए। पुलिस को टूल नहीं बनना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी एक का। तरफ आप कह रहे हैं कि ये अपमानजनक है बेटियों के साथ, और दूसरी तरफ टीवी मीडिया, अगर आप नेशनल टेलीविजन खोलेंगे तो वहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है कि सबसे लोकप्रिय नेता कौन, तो प्रधानमंत्री। नहीं, वो आप गलत देख रहे हो, वो ये नहीं कह रहे हैं जी। वो ये बता रहे हैं कि हम BJP के सबसे अच्छे कार्यकर्ता हैं और हम कोई मीडिया चैनल नहीं है, हम BJP के प्रवक्ता हैं। आप उसे मीडिया चैनल समझ के देख रहे हो तो आपकी गलती है, मत देखो, बंद कर दो टीवी चैनल को देखना। आपका सोशल मीडिया जो जनता की आवाज़ बन रहा है आप उसको देखिए, ये जितने मेन स्ट्रीम मीडिया है ये BJP के प्रवक्ता है, ये उनके कार्यकर्ता है, ये कोई मीडिया चैनल नहीं है। 28 तारीख को सारे जो लगभग 16 से 17 जो अपोजिशन मतलब विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने बहिष्कार कर दिया है, और कुछ जो हैं अभी वो आप देखते रहिए, पूरे देश का विपक्ष एकजुट होगा और जो संविधान बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए इस एकजुटता में साथ नहीं आएगा, हम उनको देश का गद्दार घोषित करेंगे। तो कहीं ना कहीं BJP जो द्रौपदी मुर्मू को सिर्फ इसलिए राष्ट्रपति बनाया गया है क्योंकि लोगों का वोट लेने के लिए, मैं कह रहा हूँ ये सब बंद कीजिए, ये सब बकवास। दलित को प्रधानमंत्री बना दिया, आदिवासी को बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया उनको दलित को, और जी अब आदिवासी को बना दिया। मैं कह रहा हूँ कि भैया आप प्रधानमंत्री कब बनाओगे?
राष्ट्रपति बना रहे हो और प्रेसिडेंट बना रहे हो, देश का प्रधानमंत्री बनने की पूरी हकदारी और काबिलियत बाबू जगजीवन राम जी में थी, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ केवल जाति की वजह से, और हम उस पीड़ा को आज तक झेल रहे हैं, ये दर्द हमें आज तक भी है। एक तरफ आप मेरिट की बात करते हो, जब मेरिट वाला आदमी मिल जाता है तो आप उसको इग्नोर कर देते हो। आज बेरोजगारी की बात अगर की जाए तो बेरोजगारी चरम पे है, और लोग, लेकिन बीजेपी के तमाम सांसद और नेता कार्यकर्ता कहते हैं कि स्किल इंडिया और स्किल रहेगा तभी आपको नौकरी मिलेगी, स्किल नहीं है तो आप नौकरी क्यों मांग रहे हैं। बीजेपी के नेता तय नहीं करेंगे कि देश को कैसे आगे बढ़ना है, हालांकि स्किल होनी चाहिए, स्किल की ट्रेनिंग्स बढ़ाई जाएं, सीटें बढ़ाई जाएं, पूरे देश के जो युवा, दो तरह की चीज़, एक तो जो बहुत आउटस्टैंडिंग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, जो दूसरे सीनियर लेवल की जॉब में जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो स्किल वाला काम करने वाले लोग हैं, जो 12वीं पास करके या उससे कम पढ़े भी जो लोग जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ट्रेंड करके, ट्रेनिंग देके, उनकी स्किल डेवलप करके निश्चित तौर पर देश को आगे बढ़ने के लिए केवल नौकरशाहों का रोल नहीं है, केवल नौकरी पैसा वाले लोगों का रोल नहीं है, देश को आगे बढ़ाने में मजदूर का भी रोल है, किसान का भी रोल है, और स्किल वाले लोगों का भी रोल है। तो सबकी ज़रूरत है। जब कोई बिल्डिंग बनती है ना, उसमें रेत जो डलता है या बदरपुर डलता है, सीमेंट डलता है, ईंट डलती है, रोड़ी डलती है, सीमेंट डलता, सबका अपना अपना रोल है। उसी तरह देश को बनाने में, देश को चलाने में, देश की तरक्की में, उसमें भी एक सफाई कर्मचारी, एक मजदूर और किसान से लेके एक राष्ट्रपति तक और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, हर आदमी का अपना अपना रोल है, सबको वो जिम्मेदारी अपनी काबिलियत के हिसाब से मिली है। एक आखिरी सवाल सर, कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें चार पांच बच्चियां जो हैं, जो दलित हैं, वो अव्वल नंबर पे आई हैं, उसके लिए क्या कहेंगे, जहां एक तरफ महिलाओं के साथ ये किया जा रहा है, दूसरी तरफ। पहली बात तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों को जो सक्सेस में, उनको बधाई देता हूँ, और जो इस बार सक्सेस नहीं हो पाए उनको मैं कहता हूँ आप और मेहनत कीजिए, अगली बार आपको भी मौका मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमें जो सक्सेस हुए ना, जातियों में नहीं बांटना है। मैंने भी ट्वीट किया था, उपेक्षित वर्ग और जिनका वर्षों से शोषण हुआ, पर मेरा उसका संदर्भ किसी जाति से नहीं था, मेरा संदर्भ महिला से था, क्योंकि देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और देश की महिलाएं और पिछड़े वर्ग के लोग, ये सब लोग उस सामाजिक व्यवस्था में, गुलामी की व्यवस्था में थे, उसमें इनको भी अछूत की तरह ट्रीटमेंट इनके साथ हुआ है। महिलाओं को भी ना पढ़ने का अधिकार था, ना व्यापार का, ना संपत्ति का, उनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि जब महिला टॉप कर रही है तो ये हम सबके लिए गौरव की, गर्व की बात है। मैं उस नाते उन बच्चियों को बधाई देता हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ, जो भी लोग सफल हो रहे हैं, हम उन्हें जाति के दृष्टि से ना देखें, बल्कि हम उनसे ये उम्मीद करें कि वो लोग नौकरशाह बन रहे हैं, देश को चलाने में कल को उनकी भूमिका होगी, वो वहाँ न्याय करें, सब लोगों के लिए अच्छी योजनाएं बनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने देखा, हमने अभी राजेंद्र पाल गौतम जी से बात की, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि ओबीसी एससी एसटी जो वोट बैंक बन रहे हैं सरकार के लिए, वो ना बने, उनके जुमलेबाजी में ना फंसें। आपकी हमारी पूरी बातचीत पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।